हाय दोस्तों, कैसे हैं? अभी जो शेयर लेके आया हूँ वो है ग्रासिम इंडिया का। ये ग्रासिम का शेयर है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, निफ्टी 50 का ये शेयर है। आप इसका देखेंगे तो पी इसका 26 है और जो इंडस्ट्री पी है वो 28 है। और अगर ये देखेंगे तो आप ये कंटिन्यूस ये वॉल्यूम पे गिरते जा रहा है। और आप यहाँ पे ब्याज भी देखेंगे तो 1,35,000 इसके सेल पे है और 1,25,000 इस पर बाई पे है, तो अभी भी सेल पोर्शन पे जाता है और कहीं पे भी इसमें बाइंग सिग्नल नहीं दिख रहा है। और आज ही इसने नया 52 वीक लो 800 बनाया, ये क्रूशियल लेवल पे आज 800 इसका बहुत ही अच्छा 798 जो है इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है। और ये सपोर्ट लगता है कि टूट जाएगा, और अगर यहाँ से टूटता है तो आपको 662 रुपये तक को गिरने को मिलता है, मिल सकता है आपको। तो आप इसमें कॉशियस रख के पोजिशन बताएं। इसमें मुझे कहीं पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है इसमें। अब इसमें जो भी रीजन हो, ये कंटिन्यूस गिरता चला जा रहा है। और मैं आपको इसके बारे में अगर बताऊं तो आप देखेंगे इसके और डिटेल चार्ट को भी देख लेते हैं एक बार इसके डाटा को भी पूरा देख लेते हैं। तो अब सेंटीमेंट यहाँ पे जो बता रहा है, सेंटीमीटर बता रहा है 43% बाइंग के लिए, 50% सेल के लिए। आज देखेंगे तो इसने आज बहुत भारी गिरावट दिखाई, 40-40 पॉइंट का गिरावट, 23.295 का 800 से लेकर के लो बनाया 800 का और 840 का इसने ये तोड़ा है, वो हाई गया है, 52 वीक लो आज ही का बना हुआ है और ये 1300 से कंटिन्यूस गिरते जा रहा है। वॉल्यूम की बात देखें तो आप देखिए 12,77,000 इतना ह्यूज वॉल्यूम से भी गिर रहा है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम भी सॉलिड है गिरने का इसका। तो वॉल्यूम के साथ ये गिर रहा है और जो भी है बड़े कोई निकल रहा है इसमें, हो सकता है बड़े कोई फंड मैनेजर हो निकल रहे हैं। टेक्सटाइल में थोड़ी सी हालत ख़राब है और क्रूड जो रेट बढ़ा है इससे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है, प्रॉफिट हो भी नहीं रहा है, प्रॉफिट कंपनियाँ थोड़ा लॉस में ही है। तो आप देखेंगे आज ये 802 पे अभी चल रहा है। अगर मैं इसके डाटा को इसके डिटेल की बात करूँ तो ये अपने बुक वैल्यू के 0.63, मतलब अगर पोजिशनल पॉइंट से कहे तो अच्छा है, बट अभी और ये गिरेगा ऐसा बहुत भी अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे पी देख रहे हैं तो 18-21 का जो दिखा रहा है, डिलीवरी परसेंटेज देखे तो 39-40-44% हो रही है डिलीवरी पर, लोग बाइंग तो कर रहे हैं। 1300 से गिर रहा है तो लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ही सस्ता हो गया, लेकिन मुझे अभी भी सस्ता ये दिखता नहीं है, ये भी और भी फॉल होने को तैयार है। और अगर इसको निकलना ही है तो इसको एटलीस्ट इसको 900 के लेवल को निकलने दीजिए। मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि किस लेवल के निकलने के बाद इसमें बाइंग आप पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें बाइंग पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए अगर 802 तो 798 तोड़ता है तो ये 662 तक जाने को तैयार है। आपको मैं अगर चार्ट पे दिखाऊँ यहाँ पे तो आप देखेंगे ये देखिए ये एकदम जस्ट सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे खड़ा है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 800 के आसपास के सपोर्ट लेवल पे दिख रहा है 804। अगर ये किसी भी तरह से यहाँ फॉल करता है तो मुझे लगता है ये सीधा यहाँ पे आकर के 644-645 के आसपास यहाँ पे आके आपको 635 के आसपास, यहाँ पे 640-635 के आसपास आके सपोर्ट लेगा, 635 के आसपास, इन 640 के पास आप मानिए यहाँ पे सीधा 650 का लेवल आ जाएगा। तो यहाँ से ये फॉल नहीं होना चाहिए, ये सपोर्ट है, ये 800 का सपोर्ट है, ये यहाँ पे 800.94 का, तो इसको नहीं तोड़ना चाहिए इसको। अगर ये तोड़ता है तो आपको भारी गिरावट देखने की संभावना है, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि मुझे कहीं पर भी इसमें बाइंग सिग्नल तो दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसका 8 डेज का अगर मैं सारे चीज़ का देखूँ तो जब तक ये 854 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, 854 क्रॉस नहीं करता, 855, तब तक इसमें पोजीशन बनाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। और बेहतर तो होगा कि आप 875 के ऊपर इसमें फिर से बाइंग चालू करें तो अच्छा रहेगा। तो खोने को कुछ नहीं, 75 रुपीज़ का अंतर है, नीचे गया तो 150 पॉइंट आपको जाएगा और ऊपर आपको 75 रुपीज़ का रिस्क है। ये 875 जो इसका एवरेज बेट आता है वहाँ से आप इसको चाहें तो यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं ये इस लेवल पर। और आप देखिए ये फॉल यहीं पर, फॉल का सिग्नल यहीं पर दे दिया था, आप देखेंगे तो ये 30/9/2018 को ही सितंबर से कंटिन्यूस ये फॉल का पोजीशन बनाए हुआ है। ये देखिए ये कंटिन्यूस फॉल जा रहा है, तो कहीं पे भी और डेली एक नए
आप देखेंगे तो डेली एक नए लोगो क्रिएट कर रहा है, खुद देखिए यहाँ से कंटिन्यूस गिर रहा है। यहाँ पे 10/10/2018 से देखिए, ये पहले 894 का लो, फिर यहाँ पे 878 का लो, फिर 866 का लो, फिर यहाँ थोड़ा आप दिखाया, फिर यहाँ 855 का लो, फिर यहाँ 852 का लो, फिर यहाँ 837 का लो, फिर 819 का लो, 805 का लो, और आज 800 का लो। तो जब लोअर लो बना रहा, नीचे लोअर लो, हो सकता है कि अगर ये लेना हो तो ये कंटिन्यूस फॉल देखिए यहाँ से कर रहा है। अब यहाँ पर ये यहाँ से 10/5/2018 से मई से यहाँ पे थोड़ा अब यहाँ तक न्यूट्रल साइडवेज रहा और यहाँ से कंटिन्यूस फॉल दिखा रहा है और वॉल्यूम के साथ दिखा रहा है। और आप देखेंगे तो चाहे आप इसके RSI को देखें, ये देखिए इसके RSI को, तो ये भी निगेटिव ही बता रहा है अगर, तो कहीं पर भी इसमें बाइंग सिग्नल भी जनरेट अभी नहीं हो रही है। ये आपको मैं MACD की लाइन में बताऊँ तो MACD भी देखिए एवरेज लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जा रही है, यहाँ पर भी कहीं बाइंग सिग्नल को नहीं बता रहा है। तो और दूसरे भी चार्ट मैंने रखा है इसमें स्टॉकिस वगैरह, तो ये देखिए सारे चीज़ आप देखिए सब निगेटिव ही सिग्नल दे रहे हैं। ये CCI भी रखा, तो ये भी फ्रेश ब्रेकेज लिया है, ये अब जाके फ्रेश ब्रेक दिया है। तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे ब्रेकेज ब्रेक देखने को मिल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक 875 क्रॉस नहीं करता तो आपको इसमें बाइंग पोजिशन नहीं बनानी चाहिए, और न्यू ब्रेकअप के लिए तो आप तैयारी हैं। जैसे न्यू ब्रेक होगा 665-662 का, वहाँ तक जा ही सकता है अगर 800 का लेवल तोड़ता है, जस्ट अपने क्रूशियल लेवल पर खड़ा है। ये सारे एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। आप चाहें आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर किसमें शॉर्ट का पोजीशन फ्यूचर में बना सकते हैं अगर आपको बनाना है, या तो पेपर ट्रेडिंग के लिए आप रख सकते हैं। ये सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको देखने के लिए धन्यवाद। नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें और जितने से जितने हो सके लाइक करें, कमेंट करें, डिसलाइक करें, जैसा लगे आप उस पर लिखे कमेंट्स प्रोवाइड करें, तो हम और भी अच्छे वीडियो आपको देखे बनाएंगे और आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।